एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है, जब बहुत पहले छपी थी कोविड के दौरान, जिसमें भारत की बड़ी गंदी तस्वीर पेश की गई थी कि जी देखो भारत कोविड से ऐसे हैंडल कर रहा है, माँ गंगा के किनारे किस तरह से लाशें जल रही हैं बिना किसी परिवार के, बिना किसी जानकारी के लाशें दबा दी गई हैं, इस तरह से मैनेज करने की कोशिश की गई थी कोविड को, उसकी बड़ी गंदी छवि छपी थी। उसके बाद फिर जब ये खबर छपी तो मुझे लगा, एक भारतीय होने के नाते, बात मेरा फोटो छपने की नहीं थी, बात एजुकेशन की नहीं थी, बात ये थी कि भारत की अच्छी खबर छपती है तो हर भारतीय को गर्व होता है। मुझे भी एक भारतीय होने के नाते सुबह सुबह गर्व हुआ, लेकिन मैं इस बात पे गर्व महसूस कर ही रहा था, खुशी महसूस कर ही रहा था कि 5 मिनट बाद ही, ये वाली खबर मिलने के 5 मिनट बाद ही मेरे पास में नीचे से एक आदमी आया, बोले जी सीबीआई वाले आए आपके घर पे रेड करने के लिए। तो मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, पर वो आ गए, तब तक ऑफिसर सीबीआई के अच्छे आदमी थे, अच्छे लोग थे, पर गलत लोगों के भेजे हुए थे। तो आके उन्होंने मुझे सर्च वारंट वगैरह दिखाए, बताया जी आपके खिलाफ एफआईआर है। मैंने कहा यार मैंने तो स्कूल ही बनवाए, अभी तो तारीफ ही पढ़ रहा था कि अच्छे स्कूल हो रखे हैं, तो मैंने क्या कर दिया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने पे एफआईआर मैंने पहली बार सुनी। गलती तो वैसे यही थी कि इतना अच्छा काम कर दिया कि देश और दुनिया में तारीफ होने लगी दिल्ली की, दिल्ली के काम की, केजरीवाल जी के काम की, लेकिन फिर भी वो एफआईआर भी पढ़ी मैंने, पूरी तरह से फर्जी एफआईआर। सोर्सेज ये कह रहे हैं, सोर्सेज ये कह रहे हैं, शायद दुनिया की किसी इन्वेस्टिंग एजेंसी द्वारा, दुनिया की किसी भी इन्वेस्टिंग एजेंसी समय 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 पर दबाव में काम करती रही हैं, पर इतना दबाव बनाना, इतना दबाव बनाना किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे कि जी कुछ है नहीं, कोई तथ्य नहीं है, बस धूल में लठ मारना है,